अपने महाराष्ट्र वाली फीलिंग आ रही नहीं तो टमाटो ऑनियन और क्या ही बारिश हो रहा है मस्त, जज्बात बदल गए, माहौल बदल गया। मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शंकर फ्रॉम पुणे। आप सभी का स्वागत है मेरे व्लॉग में। और आज हम लोग निकल रहे बेसन नगर बीच अपने रूम से, ये लगभग 15 किलोमीटर है। मैं सोच रहा था आज की लोकल ट्रांसपोर्ट ट्राई करूँ, बट ना अभी तो मतलब लेट हो गया निकलते निकलते, दोपहर को मस्त नींद लगे और ऑलमोस्ट 5 बज रहे अभी। बीच जाते जाते अपने को लेट हो जाएगा अगर लोकल ट्रांसपोर्ट ट्राई करें यहाँ से वहाँ। फिर यहाँ क्या है, ओला और रैपिडो जो हमें वहाँ पे ड्रॉप करेगा। आते वक्त चाहिए तो हम लोग लोकल ट्रांसपोर्ट ट्राई करेंगे, बट पहले सीन ऐसा है कि रैपिडो ने तो कैंसिल कर दिया अपना, एंड अभी हम लोग जा रहे हैं ऑटो से। ऑटो वाले अंकल है वो लेके चल रहे हैं उनके। और इतने जल्दी अंधेरा होने लग गया है, बट ऐसा कुछ नहीं, अपने को घर पे जल्दी आना है। अपन अकेले कितने बजे तक भी आ सकते हैं, चिल करके आराम से आ जाएंगे। बट जो 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से, 1 घंटे का टाइम बता रहे। आपस से बैठ के मैं रिक्शा में ब्लॉक कर रहा हूँ क्योंकि अचानक से जज्बात बदल गए, माहौल बदल गया और सब कुछ बदल गया। ऐसा ही है, बट बहुत ज़्यादा हवा चल रही है यहाँ पे। अब तक ऐसा बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था, लेकिन अचानक हवा चल रही है, एकदम काले काले ढकाले। चेन्नई के वेदर के मामले में कुछ बोल नहीं सकते यार, कभी भी चेंज हो सकता है। दोपहर को शाम को इतना धूप था, मैं जैसे ही ऑटो में बैठा माहौल चेंज, एकदम बारिश वाला माहौल हो रहा है। और अभी ये जो एरिया है वैसे थोड़ा हैपनिंग लग रहा है कि जैसे हम लोग पौंडीचेरी में गए थे, एक लेन था जहाँ पे पूरे कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स थे, वैसे ही ये वाला एरिया है। मतलब हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं थोड़ा आउटस्कर्ट्स में रह रहे हैं, मतलब BLFIT पार्क के थोड़ा दूर है चेन्नई से ऐसे लग रहा है, लेकिन ये एरिया में आने के बाद थोड़ा वाइब है, वाइब है। रीच ऑन द बीच है, यहाँ पे स्ट्रीट फूड बहुत ज़्यादा है। जैसे VGP बीच पे हम लोग गए थे वहाँ पे इतना नहीं था, लेकिन यहाँ पे स्ट्रीट फूड के ऑप्शन बहुत सारे हैं हम लोगों के लिए। VGP बीच वैसे क्राउडेड था, लेकिन ये बीच पे थोड़ा ज़्यादा क्राउड रहेगा लग रहा है, क्योंकि बीच का जो एक्सेस है वो भी बहुत बड़ा है यहाँ पे। एंड अगर यहाँ आ रहे हो तो आप लोगों को रेस्टोरेंट से लेके अच्छी अच्छी चीज़ें भी खाने मिल सकती है, और स्ट्रीट फूड के लिए मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे। अब तक ऐसा था कि चेन्नई में हम लोग यहाँ वहाँ घूमे, मैं हर जगह जैकेट लेके घुमाऊँ, एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैंने जैकेट ही कैरी नहीं किया। और क्या ही बारिश हो रहा है मस्त, थोड़ा अच्छा लग रहा है यार इतने दिन बाद, मतलब वाह वाह वाह। अभी भीग रहा तो कहीं जाके अपने महाराष्ट्र वाली फीलिंग आ रही, से आया हूँ तब से पूरा पसीना पसीना, धूप धूप मस्त, एकदम सही टाइम पर आए हम लोग। अच्छा हो गया दोपहर में नहीं आए हम लोग, क्योंकि दोपहर में यहाँ पे हम खास धूप रहने वाली थी। एंड दिस इज़ द व्यू गाइस, अभी टाइम हो रहा है वैसे 6:30 बज रहे, ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, बट बारिश की वजह से पूरा अंधेरा अंधेरा हो गया है। 6 बजे पोटैटो ऑनियन मिर्ची, ये जो बारिश का सीन था बस 5 मिनट का था, दबा दब बारिश आया और चला भी गया, मतलब 5 मिनट, लेकिन बहुत अच्छा लगा। मतलब ये बीच ऐसा है कि तुम रात के 10:30-11:30 बजे तक आराम से आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बड़ा चौपाटी है, ऐसे यहाँ पे के वहाँ पे के बहुत सारे लाइट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, तो आराम से रात को चिल करने के लिए भी यहाँ पे आ सकते हो। और रोड पे जाओगे तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी मिलेंगे, तो वहाँ पे बैठ के अच्छा खाना खा के हम लोग फिर घर चलेंगे। क्योंकि वैसे नाम पे अगर फॉलो नहीं किया है तो वो जल्दी से जल्दी फॉलो करो, क्योंकि उसके अपडेट जो भी रीसेंट अपडेट आपको चाहिए तो इंस्टाग्राम पे फटाफट मिल जाएंगे। सन अगर बीच आ रहे हो तो सनराइज़ के टाइम आना, बहुत ही बढ़िया व्यू है। बट अगर आप लोग शाम को आते हो तो यहाँ पे बढ़िया सा मेला लगता है आजू बाजू। 1 डे ट्रिप के लिए चेन्नई के पास ये बहुत ही बढ़िया डेस्टिनेशन है। फाइनली ओला बुक हो गया एंड वी लेफ्ट फ्रॉम देयर, मज़ा आ गया वहाँ पे, बहुत ही बढ़िया बारिश हुआ, बहुत दिन बाद हम लोग बारिश में भीगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड नाइट। और आपको अगर चेन्नई के प्लेसेस पता रहेंगे तो मेरे को ज़रूर बताना, आसपास के जो प्लेसेस है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो मैं वहाँ पे एक्सप्लोर करना ट्राई करूँगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड, बाय बाय।